नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी 11। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों से। डीसी ऑफिस कर्मचारी आज भी हड़ताल पर रहेंगे, बंद रहेगा कामकाज। शहर में 1785 जगह मिला डेंगू का लार्वा, सिर्फ 22 के हुए चालान। नंबर 3, जालंधर में वर्षा के बाद बड़ी ठंड, प्रदूषण हुआ कम। जानिए अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। लुधियाना में चाचा की शर्मनाक करतूत, शराब के नशे में 11 वर्षीय भतीजी को बनाया हवस का शिकार। ऊन की वेस्ट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां बुझाने में जुटी। लुधियाना के नए सीपी मनदीप सिंह ने संभाला कार्यभार, बोले कानून का राज कायम करना प्राथमिकता। 14 हलकों को वोटर सूची में संशोधन का काम शुरू, बूथ स्तर पर 19 नवंबर से लगेंगे विशेष कैंप। गुरदासपुर में सिख संगठनों ने घेरा एसएसपी दफ्तर, श्री दरबार साहिब पर विवादित बयान को लेकर रोष। चीफ सेक्रेटरी के आश्वासन के बाद पानी की टंकी से उतरा पनबस का बर्खास्त कंडक्टर। नंबर 10, पंजाब रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, रूटों पर रवाना हुई बसें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टीवी 11।